हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, पेट्रोल और डीजल के प्राइस आपको पता ही है, इंडिया में नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पेट्रोल जहां 110 से 120 रुपए, डीजल हैज आल्सो क्रॉस्ड अ मार्क ऑफ 100 रुपीज इन मोस्ट ऑफ सिटीज। 100 से 110 रुपए के बीच में डीजल बिक रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आज का जो सेशन है उसमें बताने वाला हूँ, आपके पास अगर ब्रांड न्यू कार है, हैव यू बॉट द कार रिसेंटली, या पुरानी कार है, या फैमिली में आपके पास मल्टीपल कार्स है, कैसे आप अपनी कार की फ्यूल एफिशिएंसी, बेहतर माइलेज आप अपनी कार के अंदर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, और इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि आपकी कार की फ्यूल एफिशिएंसी 30% तक बेहतर हो सकती है। That means a substantial saving. अब सबसे पहली चीज जान लीजिए, आजकल हर कार के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और उसमें आपकी कार की फ्यूल एफिशिएंसी दिखती है। आप खुश हो रहे हैं, आप 15, 16, 17, 18, 20 जो भी माइलेज आप कार की निकाल रहे हैं, या 10, 12 की माइलेज निकाल रहे हैं, तो साहब जान लीजिए जो MID के अंदर आपको कार की माइलेज मिलती है, अमूमन ऐसा देखा गया है वो माइलेज एक्यूरेट नहीं होती है। तो उसको आप कंप्यूटराइज्ड वे से कार निकालती है, दैट्स नॉट एक्यूरेट वे। अगर आपको एक्यूरेट कार की फ्यूल एफिशिएंसी जाननी है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप अपनी कार को ऑटो कट ऑफ तक कार का फ्यूल फिल करवा दीजिए। ये नहीं कि ब्रिम तक भरना है, वो कोई अच्छी बात नहीं है, उसमें जो फ्यूल टैंक का एयर चैम्बर होता है वो ब्लॉकेज हो जाती है। ऑटो कट ऑफ के बाद फ्यूल भरवाने की ज़रूरत नहीं है, और कोशिश करिए कि कार के अंदर जो फ्यूल है वो मॉर्निंग में भरवाएं। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद कार ड्राइव करें अराउंड 150-170 किलोमीटर्स, और फिर दोबारा अपने कार में अंदर वहीं पे ऑटो कट ऑफ तक फ्यूल टैंक फिल करवाएं। और सपोज आपने 150 किलोमीटर्स कार ड्राइव करी है, तो 150 डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीटर्स, जितना आपकी कार के अंदर फ्यूल आया है वो आपकी कार की एक्चुअल माइलेज निकलती है। तो वो MID वाली माइलेज को ना ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे कार की माइलेज को बेहतर करना है, तो साहब मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो जान लीजिए, कोई रॉकेट साइंस वाले पॉइंट्स नहीं है, ये सब बेसिक्स हैं। लेकिन कहते हैं अगर बेसिक्स ही करेक्ट हो तो आप क्या आपकी मशीन भी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देगी। आप अपनी लाइफ में अगर बेसिक्स फॉलो कर लें तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो इन बेसिक्स को जान लीजिए, आई एम श्योर अगर आप थोड़ा सा एक कॉन्शियस हो जाएंगे इसके बारे में, यू कैन बी गुड। नंबर वन, इट्स ऑल अबाउट आइडलिंग। अगर आप आइडलिंग जैसे रेड लाइट पे खड़े हैं और वहाँ पे रिज्यूम करिए, आपको दिखता है काफ़ी सारे मेट्रो सिटीज़ में कि 40 सेकंड के ऊपर अगर आपको लगता है कि वहाँ पर खड़े होंगे, तो साहब इंजन को शट डाउन कर दीजिए। देयर इज नो पॉइंट इन कीप द टर्न इग्निशन टर्न ऑफ। फ्यूल तो बर्न हो ही रहा है, पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और आपकी कार की माइलेज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप कहीं वेट कर रहे हैं अपने किसी फैमिली मेम्बर की, गर्लफ्रेंड की, वाइफ की, हस्बैंड की, बॉयफ्रेंड की, किसी की, परिवार के, दोस्त की, आप वेट कर रहे हैं और आपने एयर कंडीशनिंग ऑन कर रखी है। मेरी रिकमेंडेशन है अपनी विंडो लाइंस को डाउन कर लीजिए, दैट वुड बी अ बेटर वे। अब आपको ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए माइलेज तो आपकी बेहतर होगी, इनफैक्ट मैं कहूँ वेस्टेज नहीं होगा फ्यूल, लेकिन दूसरी बात आप जान लीजिए, इट्स मोर देन द वेस्टेज ऑफ फ्यूल। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पहले भी मैं एक दो बार लोगों को टोका, उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। पॉइंट ये है कि फ्यूल इज अ नेचुरल रिसोर्स, और आप भले ही उस पेट्रोल डीजल को खरीदते हैं, लेकिन यू हैव नो राइट सो एज टू बर्न ऑन दैट फ्यूल एंड वेस्ट इन दैट फ्यूल। तो पॉल्यूशन भी कर रहा है उस फ्यूल को, नेचुरल रिसोर्स को आप वेस्ट कर रहे हैं, और आपकी कार की माइलेज भी डाउन हो रही है। तो आइडलिंग के कॉन्सेप्ट को आप जान लीजिए, नॉट मोर देन 40 सेकेंड यू शुड कीप द इग्निशन टर्न ऑन। नंबर टू इज ऑल अबाउट टायर प्रेशर, और बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि कार के अंदर अगर आपकी कार के अंदर एक्यूरेट टायर प्रेशर नहीं होगा तो आपकी जो कार की फ्यूल एफिशिएंसी है इट कैन ड्रॉप टू द एक्सटेंट ऑफ 5%, और बड़ा मेजर होता है 5%। आप जान लीजिए जो मैंने ऑब्जर्वेशन करी है, आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन की होगी, बेसिकली जो फ्यूल पंप्स होते हैं मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, उनके यहाँ एयर जो फिलिंग मशीन होती है, ऑल्दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पर काफ़ी बार वो कैलिब्रेटेड नहीं होती है। आप खुद भी टेस्ट करके देखिए, आप एक पेट्रोल पंप पे हवा चेक करवाइए और उसके इमीडिएटली बाद यू गो टू अनदर पेट्रोल पंप सो एज टू चेक द एयर प्रेशर, तो आपको उसमें फ़र्क दिखाई देगा। मेरी रिकमेंडेशन है, आप एक बेहतरीन कंपनी है मिशेलिन, उसका एयर इन्फ्लेटर, टायर इन्फ्लेटर, या आप कोई भी और टायर इन्फ्लेटर जो आपको लगता है, अमेजोन में आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं उसका टायर इन्फ्लेटर, क्योंकि मिशेलिन का मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं तो आप कोई भी और टायर इन्फ्लेटर आप खुद मंगवाइए,
और अपनी कार के अंदर हर 15 दिन में टायर प्रेशर चेक करिए, और टायर प्रेशर अगर एक्यूरेट रहेगा तो बॉस कार की जो टायर्स हैं उनकी लाइफ पड़ेगी और आपकी कार की माइलेज बेहतर होगी। नंबर 3 बड़ा बेसिक है, वो है आपके ड्राइविंग स्टाइल पे। देखिए काफ़ी सारे लोग जो मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाते हैं, एक आप अगर गियर शिफ्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं इन टैंडम द कार स्पीड, देन पॉसिबली यू आर लूजिंग ऑन द कार फ्यूल एफिशिएंसी। आप अपनी कार के ओनर मैनुअल को चेक करिए, उसमें रिकमेंडेड लिखा होता है कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर चेंज किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिटी कंडीशन में ड्राइव करते हैं देन इन द रेंज ऑफ 45-55 स्पीड ऑन द 5th गियर या 45-60 आपको बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, 100 से ऊपर जाने में ज़्यादा समझदारी नहीं है, आपको ज़्यादा समय में बचौती नहीं होगी। लेकिन आप अगर 100 की स्पीड मेंटेन करेंगे इन द 6th गियर, अगर आपके में 6 गियर है तो आपको बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और अगर आप 90 की स्पीड मेंटेन करते हैं इन द 5th गियर तो आपको बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। देखिए कार्स आर बीन ड्रिवन इन अ रिलैक्स वे, लोग कई बार प्रभावित हो जाते हैं, 140-160 की स्पीड डाल देते हैं और दे ड्राइव इन सडन वेज कि भाई एक्सेलरेट ज़्यादा करके दिखा दे, पिकअप देखें। साहब प्यार से चलाइए, इट्स लाइक अ बेबी। अगर आप अपनी कार का ख्याल रखेंगे वो कार आपका ख्याल रखेगी, आपको लॉन्ग लास्टिंग एक अच्छा एक्सपीरियंस ऑफर करेगी, प्लस कार की फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होगी। सो ड्राइव इन अ रिलैक्स वे। नंबर 4 इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर कार इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। अगर आपके पास कार पहले से है तो टाइमली शेड्यूल सर्विस करवाइए, एयर फिल्टर को इंश्योर करिए एवरी 10,000 किलोमीटर्स यू कैन गेट द एयर फिल्टर क्लीन इन। अगर एयर फिल्टर क्लॉग होगा कार की परफॉर्मेंस में भी ट्रैक होगा, प्लस कार की माइलेज पे इंपैक्ट पड़ेगी। अलाइनमेंट इंश्योर करिए यू गेट इट डन इन द रेंज ऑफ 5-7,500 किलोमीटर्स, क्योंकि अलाइनमेंट अगर ख़राब होगी तो बॉस अलाइनमेंट ख़राब होने से क्या होता है, जो टायर्स होते हैं वो भी ट्रैक करते हैं। व्हील बैलेंसिंग चेक करवाइए, टायर के जो वेट्स हैं अगर इम्बैलेंस होगा अगेन आपको कार के अंदर वॉबलिंग भी मिलेगी और कार की फ्यूल एफिशिएंसी भी इम्पैक्ट होगी। तो ये सब चीज़ें जो कार का जनरल मेंटेनेंस है, चेकअप है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं देन इट शुड बी गुड टू गो। और नंबर 5 इज ऑल अबाउट फिलिंग फ्यूल इन द मॉर्निंग। देखिए जो फ्यूल की डेंसिटी होती है इट वेरीज बेसिस द टेम्परेचर। पेट्रोलियम क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है गर्मी के अंदर। अगर आप पेट्रोल पंप पे फ्यूल फिल करवा रहे हैं, कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे तक, है विंटर्स का समय आ रहा है, ठंड के समय क्या होता है फ्यूल उतना थिक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ जाएगा, पड़े ना कार जिसमें 40 लीटर अगर पेट्रोल आता है तो आप मान के चल सकते हैं कि 2% भी अगर फर्क पड़ा, 1.5 से 2%, तो 600-800 ml पे का पेट्रोल सेव कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे भाई, फ्यूल को आप मॉर्निंग में रिफिल करवाएंगे, आप अपने कार के एयर प्रेशर को, टायर के एयर प्रेशर को चेक करेंगे, आप अपने कार के अंदर स्पीड मेंटेन करेंगे गियर शिफ्ट के हिसाब से, आप इंश्योर करेंगे अपने कार के कान को नहीं मरोड़ेंगे, आप इंश्योर करेंगे आइडलिंग आप रेड लाइट पे खड़े हैं उसके अंदर आप फ्यूल वेस्ट नहीं करेंगे, और आप अगर पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट नहीं करेंगे, अपने कार का ख्याल रखेंगे, आई कैन टेल यू वन थिंग, योर कार फ्यूल एफिशिएंसी कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ 25-30% बेटर एज अगेंस्ट व्हाट यू आर गेटिंग राइट नाउ। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हम लोगों को बेसिक्स भी याद दिलाने पड़ते हैं, अगर कोई याद दिलाए तो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक्स हैं, इनको याद रखेंगे। आई एम श्योर इस महंगाई के युग में जहाँ पेट्रोल 110 से 120 रुपये हो, आने वाले समय में 150 रुपये पहुँच सकता है, ये टिप्स आपको सर्टेनली आपको काफ़ी बेहतर एक सेविंग्स प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ रनिंग और ड्राइविंग योर ओन कार। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपवोट जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइकर हेल्पलाइन पर नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। Thank you.